दरभंगा की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। छात्र संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में विभिन्न मांगों वे छात्र कल्याण अध्यक्ष को पद से मुक्त करने को लेकर काला दिवस मनाया गया तथा अध्यक्ष छात्र कल्याण का पुतला दहन भी किया गया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि लगातार छात्र संघ को अध्यक्ष छात्र कल्याण के माध्यम से विश्वविद्यालय पंगु बनाने का कार्य कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक अपराध है। जिस प्रकार छोटे बच्चों को भ्रूण हत्या किया जाता है, उसी प्रकार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तथा कथित मठाधीश पदाधिकारियों द्वारा साजिशन विगत 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव से छात्र संघ के अधिकारों का हत्या किया जा रहा है। आज काला दिवस मनाने का मुख्य कारण छात्र कल्याण अध्यक्ष रतन कुमार चौधरी के तानाशाही रवैये के कारण ही छात्र संघ को यह धरना विभिन्न छात्र हित से जुड़े मांगों को लेकर देना पड़ रहा है। छात्र हित में हमारी मांग उचित है, क्योंकि अब तक स्नातक के साथ ही विभिन्न कोर्सों में नामांकन की प्रक्रिया वे परीक्षा की प्रक्रिया को केवल कमीशन खोरी के वजह से आरंभ किया गया है। जिस दिन कमीशन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का फिक्स हो जाएगा, उस दिन नामांकन प्रक्रिया स्नातक का प्रारंभ करवाया जाएगा। पूरे विश्वविद्यालय में ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करवाया जा रहा है, जिससे रतन कुमार चौधरी पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इस अवसर पर छात्र संघ उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार ने कहा कि अगर हम अध्यक्ष छात्र कल्याण रतन कुमार चौधरी को परिवार कल्याण अध्यक्ष कहे तो कहीं किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज उनके पूरे परिवार में जो भी बेरोजगार थे, इन्होंने विश्वविद्यालय में किसी न किसी जगह पर अपने सारे बेरोजगार संगे संबंधियों को नियुक्त करवा दिया है और छात्रों के कल्याण हेतु इन्हें पद दिया गया था। अब तक एक भी मूलभूत सुधार छात्र हित में इनके द्वारा नहीं किया गया है। ऊपर से इनकी तानाशाही रवैये से ही छात्र संघ को यह अपना बपौती समझ रहे हैं। स्वतंत्र छात्र संघ को कोई भी नीतिगत फैसला विगत 3 चुनाव से नहीं लेने दिया जा रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है कि अविलंब अध्यक्ष छात्र कल्याण को उनके पद से मुक्त किया जाए और इनके कार्यकाल में हुए संपूर्ण क्रियाकलापों की उच्च स्तरीय जांच किया जाए। वही छात्र संघ संयुक्त सचिव अमरेय कुमार ने कहा है कि परिवार कल्याण अध्यक्ष रतन कुमार चौधरी केवल अपने परिवार के लाभ हेतु दृढ़ संकल्पित है। अगर यही इनका दृढ़ निश्चय छात्र हितों में होता तो आज मिथिला विश्वविद्यालय की दुर्दशा नहीं होती। आज स्नातक प्रथम खंड का नामांकन की प्रक्रिया में विलंब होना कहीं ना कहीं यह दर्शा रही है कि इनकी कमीशन तय हुआ नहीं है, जिस कारण स्नातक के साथ साथ सभी पाठ्यक्रम में नामांकन नहीं लिया गया है। साथ ही छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करती है कि अविलंब छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। वही इस अवसर पर केंद्रीय परिषद सदस्य आर्यन सिंह ने कहा कि छात्र कल्याण अध्यक्ष रतन कुमार चौधरी विश्वविद्यालय नियम परिनियम को ताक पर रखकर उच्च न्यायालय के फैसले को नजरअंदाज करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को भुगतान इन्होंने करवाया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना संख्या 2188/2018 तथा 2199/2018 दायर है, जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश एवं SB सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर CBI, ED और बिहार सरकार से जांच करवाकर संपूर्ण जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के उपरांत ही किसी प्रकार का भुगतान, सेवा का नियमितकरण एवं उनका प्रमोशन करना था, लेकिन अपनी पत्नी के हित के लिए इन्होंने उच्च न्यायालय की अवमानना को भी परहेज नहीं किया और पिछला सारा बकाया भुगतान के साथ ही प्रमोशन भी देने का कार्य किया। साथ ही आम छात्रों के पैसे से विश्वविद्यालय प्रतिमाह 4,38,856 रुपये का भुगतान केवल कार्यालय के ऐसो आराम पर ही खर्च कर ले रहा है, जो अनुसूचित नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित के मुद्दों को सदैव ताक पर रखकर कार्य करती आ रही है। छात्र हित में विश्वविद्यालय पदाधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। वही इस अवसर पर CM महाविद्यालय अध्यक्ष कौशल कुमार ने कहा कि यह वैमनस्यता नहीं है, क्योंकि एक अनुसूचित जाति के कार्य छात्र संघ कार्यालय के
कर्मचारी बैजू मालिक के तनख्वाह का भुगतान लगभग 9 महीनों से नहीं किया गया है, जबकि माननीय अध्यक्ष छात्र कल्याण अपने कार्यालय में रिटायर्ड कर्मचारियों को समय से भुगतान दे रहे हैं। लगभग सैकड़ों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भुगतान विश्वविद्यालय कर रही है, लेकिन एक अनुसूचित जनजाति से आने वाले कर्मचारी के तनख्वाह हेतु नियम परिणमय बताते हुए छात्र कल्याण अध्यक्ष के दिवालिया मानसिकता को दर्शाती है। साथ ही सीनेट सिंडिकेट के फैसले के उपरांत भी डिस्टेंस से सरगना को उनके पद पर बनाकर रखा गया है। आज छात्र संघ प्रतिनिधि मंडल का वार्ता मुख्य रूप से अध्यक्ष आलोक कुमार, उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार, संयुक्त सचिव अमरे कुमार, पूर्व परिषद सदस्य पूजा कुमारी, केंद्रीय परिषद सदस्य आर्यन सिंह उपस्थित थे।